बचा लो रे गोपालो को बचा लो, मेरी बहू मोह मार दो चाह रही है, कोई तो बचा लो, बाबा बहुत अत्याचार हो रहा, कोई तो बचा लो। मैं यूं कह रही हूँ मोहता, चुपचाप माफी मांग ले तू, यूं कह मोसू आज के बाद में गलती न होएगी दोबारे, जब ही तेरी जान बख्शूंगी मैं, अन्नी फिर तू मोह जोड़े। ओ जल्लादनी, तो सरकार फौजी की सजा देगी, कमबख्त बीरबानी अपने पति परमेश्वर की पूजा करने से तो रही, वह मारना और चाहिए है। ओ गोमालो मोह बचा लो, या कातिल बुढ़ापे थे रे, बचा लो कोई तो आ जाओ। अब देख रहा तू आदमी, भैया ज्ञान की मुझे यही आदत बुरी लगा है, बस जनानियों की तरह सिंगार करने पर लग रहे हैं। कहाँ कितनी तैयारी कर रहे हो यार, उनों का झगड़ा हो रहा, कितनी देर पहले खबर मिल गई है हमें, अब तक ही कल कहना है ना कि सिंगारदानी का ही सामान खत्म होने में ना रहा। कोई तो बचा लो। अरे माँ जी, तेरे को हमसु सिंदार गल जो घेवर आया, वो घेवर को बेटा संदूक में रजाई धरी है, रजाई में सूटकेस लिपटो धरो, वह सूटकेस खोलियो, वह में मेरी चीजन की अटैची धरी है, और वही अटैची में मेरी चीजन के तले धरो घेवर का डिब्बा। अरे माँ, यहाँ भी सुरक्षित न हो, यहाँ भी कोई हाथ साफ कर सके तो ये घेवर बैंक में जमा कर देना चाहिए। थोड़ा बोल ले, थोड़ा पागल जान रहा मो, इतवार में कौन सा बैंक खुले ए होशियार, उत्ते उत के तंकत ही। तू भी या बॉडम बुद्धि पे गया, जैसे यू बॉडम ऐसे ही तू बॉडम। अरे तो मत ना, संदूक को भी तो ताले लगा रखा होगा, बाकी ताली कौन है? बाकी ताली सेफ में धरिए मेरे लगतान के ताले, और सेफ को जो सबसे निचला खाना ना, वहां में एक सूटकेस, वह सूटकेस में संदूक वाले सूटकेस की ताली धरिए, और सूटकेस में जो अटैची धरी है ना, वहाँ की ताली नाच की टंकी के तले धरी है। मैं यह हिसाब सुतन वो सेफ को भी ताला लगा रखो होएगा, और जब सेफ को लगा रखो होएगा तो सूटकेस को भी ताला लगा रखो होएगा, उनकी भी ताली बता दे। वहाँ की ताली मोह पे ले जा, पर एक बात कौन खोल कर सुन लीजो, वह घेवर के धोरे मेरे थोड़े से बादाम धरे गिन के धर रखे मैंने, उन पे हाथ सपा मत कर दीजो। अरे न ले रहा मां, मैं तो तनक सा घेवर लेऊंगा बस। हाँ ले जा ले। देख ले कुत्ते, घेवर की पड़ रही है, मुंह पहना रहा घेवर पे को, तो अपना लाचार बाबा ना दिख रहा, वो बचा ना सके जल्लाद नहीं थे, कितने अत्याचार कर रही है ये मोह पे। देखो बाबा, यह मामले में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ये थार और माजी को पर्सनल मामला, मैं का अच्छा लगू हम बोल तो, वैसे भी जब तुमने माजी से ब्याह कराओ ना, सात वचन भरे कहिए, तुम निभा रहे हो एक भी वचन है, तुमने अत्याचार कर रहे माजी गल। गाँव वालों देख रहे हो, यू मेरा पोता भी एक कातिल बुढ़िया गल मिल को, कोई तो बचा लो। मैं यू कह रही चुप बैठ जा, आ जा बाज। हाँ मार मार वो मारी, तू इतनी बड़ी बदमाश है तो मार मार, ऐसा ना माने तू बुढ़े। बाद में तूने सुना कुछ? हाँ, कहीं गोली चलने की आवाज आई है। बाबा मैं मसला समझ गया, चाची ने फायरिंग शुरू कर दिया, चाचा को निपटा ला यार, भैया क्या ला जाओ जल्दी, उधर फायरिंग शुरू हो गई यार। टाइम हो रहा, चलो 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 चलो, भैया क्या राजो निकल आओ यार, हम फायरिंग हो जाओ जल्दी फटाफट। दादी मैं घर के बैठा रखू तेरे, वो तो जानते चुप बैठा रहे, बहुत बोल रहा काली परात।
चाची तो रैफल लेकर बैठी है, फायर की आवाज भी हुई, मुझे लग रहा चाची ने चाचा को मार डाला, मार डाला, मार डाला। आगे है बरसात, पीछे है तूफान, कहाँ चले हम तुम, चक दुम दुम चक दुम दुम चक। ओ जानवर, अरे जिंदा हूँ मैं अभी, अभी जो मार रहे हो मो। चाची ये क्या अत्याचार करे पड़ी हो तुम्हें, चाचा को इस पिंजरे में बंद कर रखा, चाचा को इस जानवर रह क्या, आदमी कर भी हो रही है दराज बैठ ले यार। भाई चाची यू तो घोर कलयुग आगो। चाची इतनी पत्थर दिल मत बनो, यू गौम समाज कहा कहेगा तुमको। यू गौम समाज जो भी कुछ कहेगा मैं अपना आप देख लूंगी वहाँ, पर यहाँ के जो कर्म है ना उन कर्म न किसके आगे जाए करूँ मैं। खाली देखियो बचा ले मो पीयूसी प्लीज। चाची ये तो बतलाओ परेशानी है क्या, मसला क्या हुआ, परेशानी बतलाओ। मैं कहा बताऊ, अपने आप देख ले तू। अरे काली परात, वो चिट्ठी देखा है नन्ने अपने चाचा के हिमायती ने, पढ़ ले आराम से। क्या मसला है? प्रियतम रघू, सीसी भरी गुलाब की अपने सिर से फोड़ दू, रघुवीर तेरी याद में लुड्ढो को छोड़ दूं। चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरी रघुवीरी लाखों में हीरा। पीली पीली सरसों के पीले पीले फूल, पीली पीली सरसों के पीले पीले फूल, मेरी रघुवीरी सारे गांव में सबसे ज्यादा मीठी फूल। देख रहे हो भैया ज्ञान, ब्यूटीफुल। बहुत बढ़िया, ए हुसन की मलिका रघुवीरी, अब और क्या बोलूं तेरे दीदार में, ए हुसन की मलिका रघुवीरी, अब और क्या बोलूं तेरे दीदार में, मेरी तो सारी जिंदगी निकल गई तेरे इंतजार में। दस रुपए की पेप्सी, मेरी रघुवीरी सबसे चाची मार गोली लगा ली सारा चाची लिपटा। दस रुपए की पेप्सी, तुम्हारी रघुवीरी सबसे ज्यादा, चाची मार गोली। कोई बात ना, गलती हो जाए ऐसा मत करियो, हो जा चाची हो जा। दस रुपए की है चाचा, तुम सभी आ जाओ ना, किसको बचा रहे हो, रघुवीरी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, तेरी जननी का कोई जिक्र नहीं, तुम्हारी घरवाली का कोई कदर नहीं, हमारी रुखसाना कोई ना पूछ रहा, बस इनकी रघुवीरी ब्यूटीफुल। ये ना कही गई पीली पीली सरसों के काले काले फूल, ना तुम्हारा कोई असूल, ना चाची रघुवीरी का कोई असूल। चाची इकाल इनका जुलूस, दस रुपए की पेप्सी। हैरत है यार तुम सभी चाचा, हैवानियत की शिकल तो देख लो इसकी। आदमी उठिए या चिट्ठी है, चाची होशियारी से काम करे करें, अकलबंदी से काम करें। कहा है यू, किसने लिखो है? या ने लिखो इस 87 साल के बुढ़ापे ने, अरे ये बालक के हाथ भिजवा रहे हो, वो चुड़ैल के धोरे। ए भाई कालू, चाचा श्यामलाल ने दही तो चिट्ठी हो। हाँ दिया, नु कह रहे तो चॉकलेट दूंगा, यहाँ पर चा तू रघुवीर ये दिया। एक काम कर बेटा, जा तू, पर है किसको तू? मैं किसका भी सही, तुम का लो या बस तू, पहले आप बुड्ढे से मैं चॉकलेट दुआओ। चाचा श्यामलाल तुमने आगे चॉकलेट दे ही ना है, काम पूरा हो जाने के बाद में देने की तही। ले भाई उरे कुबा तू,
चॉकलेट तो न है, ले तू 10 रुपए ले जा और अपने घर को जा। और आज के बाद में या बुढ़े के चक्कर में मत आइयो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजो, ठीक है? स्कूल जाइयो रोज की, जा अपने घर को। ए भाई खानदानी काली परात, तू इतना सहार, तेरी इतनी बड़ी बिसात, चिट्ठी इधर उधर कर रहा जाए, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान न जा रहा तेरा। आज तेरी अम्मी से कहूंगा, तेरी परात को भाई फुड़वाऊंगा। घूर रहा, मुझे घूर रहा, घूर रहा, देख रहे भैया कल घूर रहा। और ना मिला कोई छोटा बच्चा, कोई इतना बड़ा 5-6 महीने का बच्चा को ले लेते और इतने गैर कानूनी काम हो रहे हैं तुम्हारे चाचा, गैरत जरा ना बची है तुम्हारी आंखों में। चाची अब तुम ये बतलाओ, तुम चाह क्या रही हो? मौत कहा बुझे या तो बुझियो कहा चाह रहा है? चाचा यार तुम बतलाओ क्या चाह रही हो? मौत यार बहुत तेज भूख लग रही है, मैं तो 2 रोटी चटनी गैल और 1 गिलास चाय चाह रहा हूँ। चाचा यार इस कदर ना उस कदर, चाची के जज्बातों को देख के बोलो ना। ए चाचा सु कहा बुझे, चाची तुम बताओ ना कहा चाहो? भैया मैं होली या तो दुखी या तो कह दे मेरे पोते को ब्याह हो जान देगा, फिर यू मेरे से तंदूर की भट्टी में बढ़ जाइयो। चाचा सहमत हो तब? हाँ हम तो सहमत ही हैं। ना हो सहमत तो बता दे, पहले तेरा ही कलेश काटूं और फिर वह डोयन को कलेश काटूं। चाची तुम घबराओ मत ना, रघुवीरे भी समझाएंगे और तुम्हारे पोते का ब्याह का जुगाड़ भी लगाएंगे। चल भैया ज्ञान तू कह रहा था देख लीजो, छोड़ रही हूँ तो इनके कहने पे, अन्य तेरा कलेश तो आज काट देती। अब की दफा तो बचा लिया भैया ज्ञान देख लो हमने, पर चाचा की अगर ये मक्कारियां कम ना हुई फिर ना बचाने गए। इकाल में इकाल चल, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, इकाल दड़वेश है। चाचा जमानत मिल गया तुम्हें कलिया हो? खालिद बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, वैसी बंद न करो याने मैं या मैं। पहले तो खचेड़ो है बहुत दूर तक देखियो, क्या हालत हो रही है मेरी जान देखियो तब तक। इकाल आदमी इकाल यार, पकड़ियो। तुम्हारे वही चल रहे भैया क्या रह लो, वही पानी पिलवा के भी चल, खजूर खिलवा दियो एक दो। पर चाचा यार इतनी हराम पनियत कहाँ से आ रही है तुम? ले चाचा पान पियो। इतना नौलायक है, मैंने सारी फील्डिंग बैठा दी, इतना मक्कार लिकड़ो, आधे रास्ता में तो उल्टो आए के मोते लुड्ढो के सामने न्यू पूछ रहा, अगर मां रघुबीरी ना मिले तो उनके लौंडा दे दूं या चिट्ठी है। लुड्ढो समझ गई इतने में, ऊ भी दबा लिया और मैं भी दबा लिया। जैसा यार गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, पर एक बात बतलाओ तुम, ये जो तुमने इतनी शायराना शायरी पिरोई है उन शब्दों के माध्यम से इस लेटर पे, ऐसी क्या बात हो गई? कौन सी नाराजगी चल रही चाची रघुबीरी के संग जो इतना ज्यादा तुमने दीवानापन दिखलाया है अपना? कि 10 रुपए की पेप्सी रघुबीरी भगले मेरे संग, मैंने बुक कर दी है टैक्सी। जवानी फूट के ही कर रही है तुम्हारी, उम्र का लिहाज ना तुम्हारा। क्या नाराजगी चल रही है ऐसी चाची रघुबीरी की जो इतनी कायराना हरकत कर रहे हो तुम? अरे नाराजगी कुछ भी नहीं, परसुआ का जन्मदिन हो, अब वो तो गिफ्ट मांग रही,
मैंने कह दी पैसा धेला की तन कमी चल रही है, एक काम करियो तू हमारे खेत में से दो गड्डी ज्वार काट लियो। वो बिचारी मेरी मजबूरी समझ के मौन भी गई। अब वो ज्वार काट रही, पीछे से हमारी बुढ़ेड़ पहुंच गई। बुढ़ेड़ ने जो अक करी ना धक, रघुबीरी के बद्दू दियो लठ। अब यही बात पर रघुबीरी को मुंह फूल रहा, मैं तमाम बनाना चाह रहे हो। चाचा वे सागर, तुम अपनी खैरियत चाह रहे हो तो अपने पोते अमन का ब्याह करवाओ जल्दी से जल्दी, वरना चाची तुम्हें सुधार कहीं मानेगी। हमें भैया लगवा कोई ताल, ज्ञान आदमी भैया तुम भी करो गौर, एक हफ्ता में पोते को ब्याह करवा के मेरे लुड्ढो तक जान छुड़वाओ तुम। चाचा तुम ठीक रहो, जो तुम ढंग में रहोगे तो अपने ब्याह को जुगाड़ अपने आप कर लेगो। माँ मैं अपनी मम्मी को सिंदारो लाई, बता से बांट रही हूँ। अच्छा बता से ला बेटा ला। माँ जी अमन कहाँ, सुबह रही हूँ, मो बुला रहा हूँ, यूँ कह रहा हूँ कुछ काम है। उता उंग है जुगिंदर वाले हिस्सा पे, पेड़न में पानी लगा रहा है। भाई तू एक काम कर, माँ जी ये बता से दे के जिस जिसके बच रहे उन्हें बता से दिया, जैसे मम्मी ने बताई है ना वैसी दियो, एक भी फालतू ना देना हो कहीं भी। और मैं जुगिंदर चाचा के हिस्सा में ही जा रही हूँ, तो भी उंगे ही आ जाइयो। ठीक है दीदी, लो माँ जी। ए भाई यू कहा, तू तो दो ही दे रहा है, हमने तुम्हारे चार भेजे। तुम कह रहा माँ जी चार भेजे, तुम्हारा मन भी दो ही गुरु में देख गया। खा को है को तो रहा मैं। पर बेटा हमारे तो खुर में है और तुम्हारे बतासे वह हिसाब सुविधा हमारे चार बतासे बन रहे हैं, ये तो दो ही है। मेरी मम्मी ने तो दो बतासे देने कही। बेटा या तो चार बतासे कर दे इन्हें पूरे, नहीं तो यही तोड़ूंगी और तेरी मेहतारिया घर जाके काटूंगी। पीले पीले फूल, मारी माँ रघुबीरी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल। हंस ले दिखा ले दो तन ने, राजी हो रही है घनी। ए उत्ते हंसू ना तो और कहा करूं, तुम्हारे बाबा के काम ही ऐसे, तुम्हारे कर्म अच्छे ना जब तो थारे ब्याह लेना फुकरे। धरती पे रह ले, धरती पे थोड़ी बन के बोल ले, घनी रहीस बन के दिखा रही है यो। पता हो हमें तेरी सारी, जब तू दसवीं में दो बार फेल हुई। थोड़ा बोला हराम ज्यादा नहीं, एक घुसा में तो दिल्ली पहुंचा दूंगी। यार रेपटे से मुंह कहीं और ले जाकर बजाइयो, पहले दिमाग खराब है मेरा, बेमतलब मेरे गुस्से का शिकार हो जाएगी। तेरा होएगा रेपटा से मुंह बुरी सिकल के। सब है पता हो किसको बढ़ियार किसको बुरा हो, जा चली जा बेमतलब दिमाग मत खराब कर। रुक जा तू। फोड़ दूंगा विद्या रानी कसम, बहुत दिन हो गए। तो तू फोड़ देगा सिर, लिलहारा फोड़ दूंगा आज तेरा। अगर आज मैंने भी तेरा सिर लाल ला कर दिया ना तो मेरा नाम भी रुचि ना। बहुत जीभ चले तेरी, तेरी कम चले, आया बड़ा बन के तू ही हो रहा शेर सा। रहती हुई फिर अपनी भतारिया लाएगी तू बुला के, तू मत लाइयो अपने बाबा बुला के। अरे हम ना डरते काई सो भी, तेरा बाबा हिमाती तेरे। बोला मत विद्या रानी कसम, फोड़ दूंगा, तू भी मत, फोड़ दूंगा भगवान का सर। ले जा बड़ा दुनिया आ जा के लिलहारा फोड़ दूंगी। परे को विद्या रानी कसम, अब एक मिनट और रुकी ना, हत्या लग जाएगी तेरे भाई पे। अरे तू ही चली जा, ले जा ले जा, आए हासू ले जा, निया का बाबा आवे रोता हुआ के तुम्हारी लंडे। 302 का केस में बंद हो जाऊंगा पर यहां निपटा दूंगा केस। अब तो पता तो केस का ही लग जाएंगे अगर तेरा हिलारा फोड़ दिया ना मैंने। अरे तू ही मान जा, हम पे हाथ जुड़वा ले। यासु के पहले यासु के, अरे मान जा यार, मान करके जेल जाऊंगा यार। अरे बाबा को कहा कह रिया यू, कहा कही मैंने, तेने कैसे कही मेरी मम्मी को। अरे मान जा, अरे तू अलग घर जा तू, समझ फेंक दी। तू भी फेंक
ईट तो फेंकवा ऐसे ईट फेंक दे तू ईट फेंक दे अरे फेंक दे ईट फेंक दे क्या आसू तुम इससे बात करेगा अरे तुम इससे करी बात कैसा दबरे तेरा लेकर खा रखो अमन भाग यार डर ना किसी से भी का समझ रही है तू थोड़ा बोल ना थोड़ा आराम जा दे कैसा सीधा बनना शरीफ जादे नहीं आज यहाँ के यही जूता दे के मारूंगी मेरे जूता और एक जूता लगाना 100 गला खाएगा तू हम तो राड चाहते ही ना हम तो वैसे हैं अपना पहले हंस बोल के चला है सब सुर राम करके चला है मानेगा ही मानेगा कैसा भी कैसा हम ऐसे परिवार सुहा जो मिल जाए राम राम करके चले पांच छह छुआ कर चले अच्छा बनना कितना अच्छा बनना जूता तो फेंक तू यार अच्छा बनना भाई साहब गांधी जी के पैसे से लिखो 10वीं क्लास में कोई नु मार देगा ना एक दूसरे कर दू मैं हम वे है ये देख हिंसा देख ले निहत्ते पे फाड़ दू कोई बीच में बोलकर बीच में नहीं बोलेगा कोई भी मान जा यार मान जा खत्म कर दूंगा भगवान का सब निपटा दूंगा तू कर देगा हाँ तू कर देगा हाँ सकल देखे अगर तेरी जगह तेरा कोई भाई भाई बोल जाता ना लड़का हो तो कोई ऐसा फाड़ता ऐसे लड़कियां तू हमारे हाथ में उठा रहा लड़कियां हमारे हाथ में उठा रहा लड़की ना होकर लड़का होता ना भगवान कसम जिद है कर देता लड़का होता ताले की टेटियां दे देता ऐसा तू कर देता हाँ लड़कियां हमारे चुप लगा लो गिरा दूंगी एक मिनट हाँ लड़कियां हमारे लड़कियां हमारे छोड़ रहा हूँ चार दिन तक सांस भी ना आएगा तो ले ले चल ले 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 अपना ही हिलारा फोड़ लिया चार दिन तक सांस ना आएगा अगर एक रेपटा मार दिया तो तेरे राजी हो रहा तेरा होएगा भैया या जन्म में तो तुम्हारे भियाली फुकने सु रहे हराम जादे अच्छा खासा मूड खराब करके रख दियो तेन बचा लिया यार केशव नहीं तो सिर फोड़ सके दीदी कहा होगा यू आराम ज्यादा मेरे ईट उठा के मार रहा मैं फाड़ दूंगा जब मेरी दीदी कुछ कही और रुक जा मैंने सेट कर दिया तू अपनी दीदी कब समझ रहा कर दिया मैंने सेट कुछ दिक्कत हो तो मार दूं अरे रुक जा तो अभी खुराक दे दूं ना 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 भैया तू रहने दे तेरा गुस्सा वैसे ही बहुत ज्यादा है मरमरा जाएगा या को बावा वैसे ही भगता है रोता रोता इन्हें तो शर्म लिहाज ना लड़ते डोले दुनिया भर में चल अरे छोड़ परे को कहा बालकन के मुंह लग रहा हो अरे यार केशव बहुत बेइज्जती करके गई आज बता नु कह रही है जन्म में थारे ब्याह ना हो सका इतनी बेइज्जती भी हो कर यार कोई अरे हाँ यार यूद बात तो थोड़ी मोह भी बुरी लगी है फिर बता भाई रे ब्याह करना अब 7 दिन में 1 हफ्ता तेरे धोरे अपने पापा से कहकर मेरा ब्याह करवा कैसे भी चल जाएगी काली भूरी हाथ पा मंत परेशान तलाक बेतलाक देसी विदेशी कैसी भी हो पर भाई ब्याह करवा दे अब नौक की लड़ाई आ गई है यू मैं कहां सु करवाऊं यार 7 दिन में अरे तो सु करवाने को ना कह रहा अपने पापा से तेरा पापा करवाएगा तेरा पापा गाँव में सबसे बड़ा बिचौलिया गाँव के एक से एक बड़े खोने खराब बन के तो ब्याह करवा दिए हमारा नहीं हो रहा हमारा करवा यार कहूंगा यार तो बुरी लग जाएगी जब मेरे पापा ने इतने बड़े बड़े खाने खराब को ब्याह करवा दिया तो फिर भी छिक गो तो तू सोच तो सही कितना बड़े खाने खराब होएगा तेने तो यार मेरी आँख खोल दी यह बात की तुम्हें पता ही नहीं देखे तेरा कंधा थपथपाऊं खाने खराब बता रहा हूं मैं चुटिया बाज खाने खराब है हम अपने बाप से कहकर 7 दिन में ब्याह को जुगाड़ करवा दीजो अन एक सप्ताह पहले जो मोटरसाइकिल चुरी ना थारी बताओ मो चुरी नहीं तेन हाथ साफ कराओ आप ना 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 वह बात है दवा करूंगा मैं जुगाड़ करूंगा हो जाएगा भैया कौन खराब बता रहा कौन खराब चाचा घूट मारिया अरे मेरे खांसी हो रही है ए चाचा एक बात तो बतलाओ चाची ने रोटी दे दी ना या अनशन पे ही बैठे हो तुम आजी रोटी ना देगी भला
वाके बाप को खेत है या वाके बाप के गेहूं है? गेहूं तो सोमलाल बोवे खेत में, इतना ना दबता सोमलाल का ही सू। रे रेंदो चाचा किसी और को चले हूं, हमें सब पता। कहा पता हो तो बेटा, सोमलाल अगर अपनी सी पे आ जावे ना तो औखन सुई डरा के मार देगा, हाथ भी ना लगावे। सोमलाल अगर काई की ओर को नजर उठा के देख ले ना, सोमने से नहीं मर जाओ। किसे मार रहा गैंगस्टर? छल्ले वाले खरक में जो है ना बहुत सारे मच्छर हो रहे हैं, कीटनाशक छिड़कूंगा एक एक मच्छर मर जाएगा। एक काम कर, खर्च होकर खत्म हो रहे लाला पे फोन करके मंगवा ले। ठीक है जी, आप चिंता मत करो, मैं आज ही मंगवा लूंगा। दिखा मैं तो कौन कितना डर रहा, आंखों से ही मर गई चाची। मांगे आ रहा। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। सुना तो सुना, भी मांगे, क्या मांगने आया हो? मांगने को या हर कोई बिना दिखे कते। सुना भाई मांगे, कैसे कैसे आयो? मैं पैदल ही आया हूं। बे मांगे यार, भैया ज्ञान के मकान से अगले वाले मकान नहीं तो तेरा। हाँ तो थोड़ा सा आ गई तो है। यो, यो, यो। बे यार मांगे, पैदल में तो तूने फिर बहुत तकलीफ उठाई, मैं पैदल क्यों मरा? इससे अच्छा था ट्रेन में लटक के आ जाता, 10-20 घंटे में ट्रेन तुझे ना पता की देती लाके। थोड़ा मजाक करेगा थोड़ा। मांगे ये तो मजाक कर रहा भैया, तू चाचा बता कैसे आना हो तेरा? आनो कहा भैया, इनको पोतो अमन, मैं लौंडा तो हाथ में तू जोड़ रो, कह रहा अपने पापा तो कह के ब्याह करवा दे, यहाँ मैं आया हूँ मैं तो। ना भाई मांगे, हमें यार मैटर की जानकारी ना कतई भी, पर हो सके कह भी दी होवे, वान यू होएगी कि चाचा मांगे ब्याह करवा तो रहवे, तो हो सके तेरे जुगाड़ करवा देवे। हाँ मेरे लौंडा बता रहो कि बहुत हाथ मिंत जोड़ रहो, नू कह रहे एक हफ्ता में कैसी जुगाड़ करवा दो, देसी विदेशी सब चलेंगे। अरे यार मांगे, जब इतना हाथ में जोड़ रहा करवा जो देवे फिर। यार मारा तो मैं आया हूँ, मेरे धोरे एक पार्टी हैगी, पार्टी तो देसी है पर उनकी लौंडिया विदेशी है। बे यार ये कहना वा मसला आगा ना, अम्मी पापा तो उसके हो गए देसी, लड़की विदेशी। ऐसो हुओ जब देश में लॉकडाउन लगो ना, तो विदेशी लड़की आज के रहेगी, और या के घर वाले ने नू समझी कि कोरोना में लड़की मर गई, उनने आज के करवा दिया भैया या को कुल्ला पौनी। या लौंडिया ने बाद में आज के फोन भी करो, उनने नू कह दी हमने तो तेरे कुल्ला पौनी करवा दियो, तुम्हारे तो मरगी तू वही रहे। ओ माय गॉड, ये विदेशी भी उल्टे ही चले। यासु तो बढ़िया, हमारा देश ठीक है, यहाँ प्यार तो है आपस में, अन्य भैया अमेरिका फमेरिका हर में तो मोलग है, माहौल ऐसे ही दिखे। करवा दे तो मांगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, चाचा तो रिश्ता ले ही लेंगे। कि चाचा ले लोगे रिश्ता? देख भाई, वैसे तो मेरे पोते को रिश्ता की कमी तो है ना कतई भी, दुनिया भर को रिश्ता पड़ो है, लेके स्कॉर्पियो फॉर्चूनर डिफेंडर तक को, लेकिन ये लौंडिया लाचार है, मजबूर है, परेशानी में है, तो भैया मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर पाऊंगा, जैसे तुम करो वैसे हो जाएगी। अरे गलत है चाचा यार, अपना नुकसान क्यों कर रहे हो तुम? एक बात तो बताओ भैया ज्ञान, जब तुम्हारा बड़ी गाड़ी मिल रही है स्कॉर्पियो फॉर्चून कौन सी डिफेंडर, तो अपनी गाड़ियां लो भैया, फिर क्यों पड़ रहे हो फ्री के रिश्ते के चक्कर में, नुकसान कर रहे हो अपना। भैया मांगे रहने ही ना कह रहे इस रिश्ते को, तू मेरे संग चल, मेरी नजर में बहुत अच्छा रिश्ता आएगा, हाथ जोड़ कर लिया इस रिश्ते को, तो चल मेरे संग। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, देखी भाई ज्ञान, देखी भाई आदमी या की मक्कारी है, या गाड़ी रिश्ता, वे बात तो सुनाई दी है, वो बात नहीं सुनाई दी जो मैंने बाद में कही। ए भाई मक्कार, मैंने तो बाद में न्यू भी कही कि जैसे तुम कहोगे ऐसे हो जाएगी। अच्छा इस कदर भी कहा, मैंने ना ध्यान ना दिया फिर, ईमान से मैंने ना सुना। समझ रहे बेटा, हम समझ रहे, तू चाह नहीं रहे हो, तू चाह नहीं रहे हो कहीं रिश्ता हमारा हो। वे अब एक काम कर, आज के तो उठ ले, वहीं जाके बैठ जहां तू यार रिश्ता करवाना चाह रहा हो। मैं तो जा ही रहा, रुखसाना ने घर पे चाप और पनीर की सब्जी बनाई है, मैं तो जाने ही वाला, टाइम हो रहा था भैया ज्ञान। आदाब भैया मांगे, देख ले खाने खराबों में कराना चाह रहा भैया लड़की की जिंदगी खराब,
तो तू जाने तेरा काम जाने, बाकी अल्लाह पाक देख रहा। हाँ जा, मिलेगी तो घनी पनीर हाँ के बड्ढे मार रहा बड्ढे। जा परे। देखो चाचा, थारा पोता हमारे लौंडा के घने हाथ में जुड़ रो, मैं तो हमारे तमता बता रहा हूँ, नहीं तो पार्टी और भी बहुत है, मैं कहीं भी करवा सकूं, बाकी थारी मर्जी है। ओ भैया, तो हाथ पाम जोड़े किया तू, या कौम करवा दे बस, 12 बीघे में भी दौड़ा नौ है, मैं जो कह रहा हूँ एक हफ्ता में जो है ना चट मंगनी पट ब्याह करवा दे। चलो तो मैं कल अगली पार्टी तक कह दूंगा, वो अपनी तैयारी रखेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बल्कि मैं तो एक बात और पूछना चाह रहा हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। बताओ चाचा। अंगूठी गैल ले आएंगे, अदला बदली हो जाएगी गैलम गैल। यू ठीक है, टाइम भी कम है, गैल गैल अदला बदली भी हो जाएगी, तो मैं चलूं, कल की तैयारी भी तो करनी है। हाँ जी पहुँचो पहुँचो। अरे मैं जो कह रहा हूँ, पोते गैल भिजवा दूँ साइकिल पे। ना ना ना, मैं तो चलो जाऊंगा, मैं तो पहुँचो। अच्छा जी, राम राम। राम राम जी। ठीक है जी, राम राम जी। बधाई हो चाचा, बधाई हो, विदेशी बहू आएगी। भैया सब थारो प्यार है बस। चाचा ऐसे नहीं, आज रात तो जशन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल जशन होएगा। अमने, ओ अमने, हाँ जी बाबा जी, भैसन ने पानी प्यारा रोल मचा रहे हो, बताओ। अरे तो बाद में प्या लीजो, नुकवा पहले, यहाँ बैठ बैठे आज के। नुकू कहा, मैं तो नुस बैठ जाऊंगा। बताओ। अच्छा पानी प्याने खुशी में। वाओ। ये 10 रुपया ले जा, बिसारती के तो 10 रुपया की अंगूठी लिया जाए के। अंगूठी, 10 रुपया की अंगूठी कहा करोगे बाबा? करूंगा मैं कुछ, तू कह ले। बाबा बालक ना हूं मैं, सब समझ रहा हूँ थारे कर्मन ने, मारक भी रिकबार मंगा रहे हो ना। रे पागल। ना क्यों, ना 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 ना, रुको जरा सबर करो, यू तो अभी ट्रेलर है, फिल्म देखो अब। खड़ा हो जा भाई। आज रहन देते बाबा। क्यों आज भरती है तू? ना कल को रहूंगा ना। बेटा यू तुम्हारी गलत फहमी थी जो अभी हमने दूर करी है, दरअसल कल हम तुम्हारे रिश्ता को जा रहे हैं पक्को करने, या मार चाहिए या अंगूठी। बाबा जी पांव छुई छुआ। अब का हुई हुआ बाबा जी, देखे मेरी हाथ जोड़े के तुमसे विनती कर रहा हूँ मैं, तुमसे थोड़ा सा बजट और बढ़ा दो। देखो 10 रुपया की अंगूठी की तो साफ पता लगेगी नकली है, तुमसे से बजट और बढ़ा देते जैसा कि। ए चाचा बढ़ा दो बजट, विदेशी लौंडिया अच्छी ना लगे 10 रुपये की अंगूठी। ए हम बे चाचा कोई बात ना, कर दो जी खोल गए खर्च, बिहार रोज रोज ना होते हैं। तेरे ज्ञान जी पे जोर तो पड़ रहा, पर ले 10 और दे रहा हूँ। और अपनी माँ तक कह दीजिए जाए के कोई गीत बाखली गवाती हो तो। ठीक है बाबा जी, 20 रुपया की ब्लू डायमंड आ जाएगी। चल ना कल को ये बाबा आज का। अरे तू जा परे को। लता वत्ता धुआ ले तो जैसे। धक्का सा लगवा दियो, 10 रुपया और दिवा के तुमने। चाचा समोसे बहुत बढ़िया, पनीर काजू किशमिश सारा माल है। मैं तो वैसी थोड़ी मोटा पैसा फूको है इनमें, खा। हाँ मौज कर दी तुमने तो आज, हकीकत में देख ले कैसी टेर लग रही है कीर्तन में। चाचा ढोलक सही बज रही है, बुरा ना मानो थोड़ा सा नाच लूं। हाँ नाच ले। आजा आजा, बस 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 बस, खाने के बाद में नाचियो, खाना पच जाएगा और तेरी हिरस भी निमट जाएगी, दोनों कम हो जाएंगे। ठीक कह रहे हो।
अभी तो लंबा चले गयो। पर चाचा बुरा मानियो, तुमने एक काम कर दिया आज, ऐसे मेरा यार खालिद होता आज, वो बहुत दुख है, पर तुमने रुसा के भगा दिया। वो लगे तो दोस्त के चक्कर में अपने समोसे पे लात मारता दिखे, नीचे धर गया, दोस्त के धोरे ही जा। चाचा मैं तो मजाक कर रहा है, ऐसी तमसीरे से लेके बात है। चुप खा ले, चुप खा रहा हूँ। अभी दोस्त की मेर लिवाऊं तो पे। चाचा ताओ कई चीज कमी तो ना हो, बता दीजो। राशन बहुत महंगा दर रखो आज हमने। बाबा जी जैसा कि जी बाबा जी जो ना जी बाबा जी मैं जी नू कह रहा हूँ, अब तो दो चार दिन में हाथ पहले हो ही जाएंगे, ब्याह हो ही जाएगा, तो वे न रह करें रिवाज, हाथ पहले होने से जैसा कि थोड़ी सी मेहंदी लग जाती हाथन में तो हमारा जी रह जाता। अच्छा मेहंदी, हाँ कोई बात ना, अभी बुलवाऊँ का ही है। तो एक काम कर, ऊपर जनौनी बैठी है, उनके खाने पीने का इंतजाम कर, जा देख रेख कर। ठीक है जी, ठीक है, अभी बुलवा लूंगा। तो मेहंदी तेरे नाम की लिखवाऊ। थोड़ा बहकाना पड़ेगा यू। लाली, ओ लाली सुनियो तनक। रुचि। हाँ चाचा। रुचि बेटा रुकवा। आ रही हूँ चाचा। बालक हिड़स कर ही रही है, जब हमारा ब्याह हुआ ना, मतलब मेरा, मैं भी ऐसी लोट पड़ जाने होगा जब मेरे भी हाथ रचने चाहिए। बैठे बैठा तल बेटा, मैं जो कह रहा हूँ, हमारा मेहंदी तो है ना, और हमारा जो पोता अमन है ना, ये जुम्मे पड़ रहा हूँ मेहंदी से हाथ रचवाऊंगा। अब तू एक काम कर, तनसी पेली मट्टी में पानी घोल के अरे यहाँ बहका दे। यो, यो, बाबा मेरा बिगाड़ खाता चल रहा, तुम्हारे पोते से मेरी बोल चल रहा, मैं लगा रही। यो, 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 ओ माय गॉड, क्या को भी बिगाड़ खाता चल रहा। तो एक काम कर बेटा, तू जा, जा तू। आदमी तू ही कर या कहो, मैं एक टिपन में पेड़ी मट्टी घोल के ला जा। ठीक है चाचा, ला रहा हूँ। भाई चाचा मांगे ना यू काम तो बहुत बढ़िया करवा दियो। हाँ बढ़िया तो करवा दियो एकदम, कोई बड़े बोल तो बोल ना रहे हो। अन्नी भैया अंग्रेजन बहू किसे मिल रही है, किसे मिल रही है विदेशी बहू, कतई गोरी चिट्टी ऐसी, कतई भूरी भक्क, कतई नसीब बढ़िया हमारे के तो। अन्नी हमारी किस्मत देख लो कैसी लोटी है, या लुड्ढो के चक्कर में। खा तू खा। चाचा ले आया। भाई आदमी बढ़िया कर दिया तेन तो कम। बेटा अमन रखवा। और हाँ एक बात और सुन लीजिए गौर से, यहाँ जांच न पड़ जावे कतई भी कहीं पेड़ी मट्टी है, यूं कह दीजिए जापान से आई है, जापानी मेहंदी है, यूं विदेशी मेहंदी, विदेशी बहू। हाँ जी बाबा जी, मेहंदी आ गई है तेरी मेहंदी।
बाबा जी मैं कह रहा हूँ जी उनका नाम भी लिख देते कहेंगे सैमी। इतना बड़ा अंग्रेज दिख रहा हूँ तो मैं आवे मो पे अंग्रेजी चुप ले जाए आदमी कदी तो पे सैमी देख ले छोरे ब्याह हो रहा है जब भी चुप चला जा चुप नेक जोग होए करे बस यू रचाने को ए चाचा क्यों धमका रहे बालक है खुशी का माहौल है जब ही मोने लातन के भूत बातन सुना मोनते अब एक काम कर रात बहुत हो रही है कल हम भी जाना है तब तक पीछा जाकर अपनी दादी तक या गाजे बाजे बंद करे बहुत देर होगी। ठीक बाबा जी। सैमी आप बुरा मत मानना बाबा ने हाथ से भले साथिया बनाया पर दिल पे मैंने तुम्हारा नाम लिखा कहा देख रहा हूँ फाड़ का चंदा बाबा जी मेरी जो ना जी वैसी विदेशी जो ऐसी तरह कर रहे हैं भोरी भक्त गोरी चित्ती मोत्र और शरण चढ़ रही है मैं उनका आगे तो बहुत ही ज्यादा ब्लैक लगे करूंगा ये इतनी गोरी रहे बाबा बहुत जैसे थारा जो ना ऐसी रहे धौली का थी ऐसी आएगी मेरी बहुत चंद अख्तर है चांद सा मुखड़ा होगा तेरा काला है मुंह या तो तू लिया डंडी और ला दे तन्नो या कि चमड़ी उधेड़ दूंगा जल्दी जाइए मार रहा हूं और हाँ या तो तेल को मत कह लगे जो हम तेल गिरवा देंगे दावत खाएगा तेल अपना आप गिरवा लेगा हाँ इतना तो बाबा चले कर रही है और कहा आदमी और मांगे कहाँ रह गए लेट करवा दिए बेफालतू में वो कहा पता चाचा बियर बोनी की तरह सजे हैं चलो ज्ञान महक बहुत जोर की आ रही है 300 सेंट हमें भी दे दे नहायो ना हूँ आज ओह नो भाई धरा बैठक में ले लो जाकर ठीक है अमन तू कैसे उदास हो रहे हो कैसे ब्याह से खुश ना है तू ताऊ बाबन जो रात में मेहंदी लगाई ना उतन नक्शी भी ना रची मेरे हाथ में या का मतलब तो साफ ही है ना जलोंडिया से मेरे ब्याह हो रहा हूँ मैं उतन नक्शी प्यार ना करती अरे यार ये तो बहुत टेंशन वाली बात है मेहंदी तो बहुत रचनी ही हूँ रची कैसे नहीं देख बताओ तब चल रो मत ना अच्छे काम को जा रहे हैं ब्याह के बाद प्यार भी हो जाएगा ठीक है ले आदमी भी आ लियो राम राम जी अरे मांगे ना आया मांगे कहाँ छोड़ आया मांगे सोसाइटी तक गयो यू कह रहा हूँ लिकड़ोगे तब मोह बैठा लीजो हाँ तो कोई बात ना वहाँ रास्ता में से बैठा लेंगे चलो अब जल्दी अब यू क्यों टुसक रहो क्यों रो रहा बेटा तू कुछ नहीं चाचा ऐसे ही अरे चाचा ने रात जो आके मेहंदी लगाई ना वो रची ना न्यू रो रो सब रच जाएगी ब्याह से पीछे खूब मौके मिलेंगे चलो अब देर हो रही है और हाँ हज के जी जी लगा के बात करियो कभी पागल अंतर करें जी बैठो ठीक है जी बाबा
मैंने सुना आज अमन की भैया की पक्की के लिए हो गए हैं। हम बे बीबी आपका सुन ली मेरे की भी भगवान ने। चलो चाची ये तो बहुत बढ़िया हुआ, अब तो मैं भी सहारा लग जाएगा। वैसे रात तो खूब नाच गाना हो रहा तुम्हारे नाम पे। हम बे मैंने तो भिजवाई तो पे खबर। ए चाची मुझे टाइम ना मिला, आज शाहरुख का पुस्तक कला का पेपर है तो उसको पढ़ा रही थी मैं। कोई बात ना बीबी, खुशी का टाइम है, अब ले जाइए प्रसाद। ए चाची वैसे मैंने सुना कहीं विदेश से ब्याह हो रहा। हम बे बीबी मेरे को तो देर से हुआ पर पहुमो ऐसी मिल गई है, इलाके में नौ ऐसी, ये विदेशर कागज की तरह सफेद होवे, मेरे तो पोते पोती भी सूरज चंदा जैसे होंगे। चलो चाची टाइम तो लगा पर किस्मत बढ़िया निकली तुम्हारे पोते की। ले बेचारी या दुखियारी को कौन भी हो ही जाएगा, बाकी भगवान मालिक है, हम जो तो जोबन पड़वा कर रहे हैं। क्यों ले गाड़ी भी आई, एक काम करो तुम चाय पानी का इंतजाम करो जब तक मैं इन्हें बैठा हूँ। हाँ आई लिए वही है। चलो 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 राम राम जी, राम राम जी, आ जाओ जी, राम राम जी, राम राम जी। तुम बैठो मैं तन चाय पानी को इंतजाम करूं। अरे कुलदीप, अरे कहाँ रहेगा? ए भाई मांगे, यू कौन है? यू लड़की को नकली पापा। यू तो लड़की को नकली पापा भी 70% अंग्रेज लग रहा है। ए चाचा केला वेला ना लाए? केला केला अनकू तो मैंने कल ही दे दिए कि आने पैसा। अच्छे याद है वो 30 रुपया दिए मैंने। चाचा केला तो मैंने कल ही लेकर गाड़ी में धर दिए, आदमी जाइए गाड़ी की टिक्की में होंगे। ठीक है ला रहा हूँ। ओ चाचा और कोई यूं का हो रहा? का होगा? क्यों खाली तू का हमक्कार है, तू टिक्की में कैसे आयो? भैया गया तुम गाड़ी को ना धुल के खड़ी करके तभी आके बैठ गया मैं तो। अरे तो मैंने मना ना करी, आज के बढ़ती बढ़ती बात है तुड़वा का चुगल खोर। चाचा इतना बुरा ना खाली जितना तुमने बना दिया खालिद को, वादा कर रहा हूँ तुमसे, दिल से वादा कर रहा हूँ, अगर आज खालिद का मुंह खुलेगा तो कुछ खाने पीने के लिए खुलेगा बस, बाकी एक अल्फाज ना सुनने के हो तुम। चलो कोई बात ना चाचा, जब वादा कर रहा हो तो बैठा लो यार। अभी चला जा बैठ, पर मुंह में से जो है कुछ बोल मत जाइयो, और सारी केला अंदर चबा के दिखे। ए चाचा कहाँ खावा सारी केला, एक तो ये बच रहे लो, अपनी आदि को भी रखवा लो मुझसे, दो दर्जन केला लाए हो तुम उसमें भी ये देख रहे हो कितनी खावा, दो दर्जन में तुम्हारे 1.5 केला छोड़ दिलो पकड़ो। चाहे तूने एसी भी ना चलाया पीछे का, इतनी गर्मी में मरता आया हूँ, इसको रख दू नहीं घर पे ले लूंगा वरना रुखसा न लड़ेगी, निकाल जाए निकाल। बताइयो 1.5 डूंठे छोड़ो, अब देता हूँ अच्छा लगूंगा मैं नया। चाचा तुम्हारे भी शर्म न, 30 रुपये ली थी तुमने कुल, 2 दर्जन केला अपने थोड़े से लेकर आया हूँ। खाको सबन ने कहा करे। अच्छा गेंदे का फूल दिख ले भी एक दफा, कहा करे एक दफा दिखला तो सही यार, दे दीजिए मेरी। यू कहा करा था ना बे बच्चे, तुझे इतना सम्मान राशन आने का, तू अनाज का बर्तन ही तो, तुझे इतना सम्मान मिल रहा, चल खाने पे ध्यान लगा तू। क्या हाल चाल? और खैरियत से? तो बहुत बढ़िया, बैठो आ जाओ। केले लाए चाचा, केले दे दो।
ले बच्चों के लिए ले जी। डेढ़ केड़ा आयु बालकन को लाया हूँ मैं, तुम भी खाइयो बालकन ने भी खवाइयो, और जो तुम्हारी चार घर है ना उनमें बंटवा दीजो। अच्छा जी। चार भैया पता लगा मुझे भी। अपने भैयों के नाम पे प्यार मोहब्बत बनी रहती है इससे, जरा जरा बहुत जितनी भी पड़ा जिसके नसीब में जितनी उतनी पहुंच जाएगी। मान सम्मान हो कर कोई पेट थोड़ी भरे इस सीजन में। कहा बोट ले डेट केला। बोट ले दिया डेट केला। भाई साहब लड़का नो ले मोंगे, भाई साहब तो नु कह रहे अंगूठी आज पहरवा देंगे। अजी आने वाला रास्ता में है बस, हमारी गैली चले वैसे तो, फिर मोंगे को लौंडा मिल गो रास्ता में, जो कह लो मैं भी चलूंगा, या फिर लौंडा चढ़े गाड़ी में तेल उल्टी कर दे, या हमारे अब दोनों मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। अच्छा जी कोई बात ना जी, कोई बात ना, और वैसे तो सब ठीक ठाक है जी। नहीं भाई साहब कुछ भी ठीक ना, बड़ी परेशानी का मसला चल रहा, परसों हमारी ददिया सास का इंतकाल होगा, अल्लाह ताला जन्नत अल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए, उन्हों की कब्र में नूर से मुनव्वर अता फरमाए। बस 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 कंट्रोल कंट्रोल, 113 साल की होकर मरिए बुढ़िया, समझ गए ना। चुप बोल मत, चाहिए कुछ नाराज आगा चाचा, चुप कैसे रह जाऊंगा, एक बात तो बतलाओ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मुझे उन्हों के इंतकाल तक कितनी तकलीफ हुई है। भाई साहब जब भी मैं अपने ससुराल जाता था ना सावन के महीने में, मुझे जाते ही हमारी ददिया सात जिलों का इंतकाल हुआ, घेवर खिलवाती थी, अब चाचा बतलाओ मुझे कौन घेवर खिलवाएगा सावन के महीने में। कोई बात ना, घेवर हम खिलवा देंगे, फिर तो ना होने के तकलीफ, फिर याद ना आने की, उन्हों खिलवा दो भाई साहब। अरे कुलदीप भाई साहब एक काम करो, या अलग बैठा दो, वो बैठा खाता रहेगा यू। अरे कोई बात ना, आ जाओ भाई साहब आ जाओ, ना मुझे कोई परेशान ना भैया, गया ना आप अपने मसले को निपटाओ, मैं अपने मसले को निपटाऊंगा, आ जाओ भाई साहब इधर आ जाओ, छाऊ में है ना, तुम यहाँ बैठो, यहाँ ही मंगवाए दे, घेवर मंगवाओ है ना। बहुत बढ़िया, बैठे रे बैठे। लो जी हमारा पोता अमन भी आ गयो। अच्छा जी, यहाँ उसका बैठे हुए तमाम बुजुर्ग ने जी मेरी ओर से कोटी कोटि पाम छुई छुआ। छुई छुआ भैया, छुई छुआ बैठो, तुम एक बार पाम छुई छुआ और है जी। छुई छुआ भैया बैठो बैठो बैठो। बाबू चाच खालिद कैसे है? अरे फुकंदे परे को बेहा, तू अपनी बता, तो कहाँ देर होगी इतनी। बाबा जी जो ना जी, बाबा जी इनकी जो ना जी, बाबा जी इनकी मोटरसाइकिल जी में जी पंचर जी हो गई, तो जी बाबा जी फिर दुकान जी पे जाके तो फिर पिंचर जी लगवा लगे। भाई साहब यू ये लड़का ब्याह को। अच्छा जी, अजी बेटा जी तुम्हें पता तो लगी होएगी, यू लड़की ना लॉकडाउन में ही रह गई, हमने बड़े प्यार से पाली है जी। ना जी आप चिंता जी मत करो जी, बिल्कुल भी जी, हम भी जो है ना जी बढ़िया घर परिवार थे, ऐसा हौकत ही नहीं समझ रहे हो, बढ़िया प्यार से रखेंगे जी हम भी जी, जो हो जी मैं जी जो हो ना जी घर में दब तो काई सुबह, हाँ पूरे लाड प्यार करूंगा जी। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। अरे कुलदीप। हाँ जी। अरे भैया कुछ नाश्ता पानी लिया इनको? ठीक है पाव ला रहा हूँ। सब समझ में आ रही मेरी बात? ऐ जी एक बात पूछूं, बुरा तो मानियो मत ना, अगर तुम्हारी बात समझ में ना आती फिर तो तुम पौड़ी भी ना मंगाते। अजी फिर का मतलब पड़ो मेरा? मजाक कर रहा जी मैं, मजाक मजाक कर रहा है। अच्छो जी अच्छो जी। बातों में लग रहा खाली प्लेट को ना झाक रहा जरा अभी। अब खाली जो वादा कर रहा भाई ये वादा तो निभाना पड़ा, अलहदा बैठा हूँ क्या कर सकता हूँ, मसला तो चल रहा वरना उधर भी। अजी हम नु कहना चाह रहे हैं अगर दोनों पार्टियों की सहमति होगी हो तो बात आगे को बढ़ाओ, वा कौम करो जा कौम करने को आए। तो तैयार बैठे हैं जी, इनसे बुझो। बता अमन बेटा कोई और बात? ना जी मेरी तो जी ऐसी जी कोई बात जी नौ जी बड़ी बात जी, बस छोटी सी एक बात थी जी मेरी तो, मैं जी जो ना जी मैं जी नु चाह रहा हूँ जी, जैसे कि एक बेर जी उनसे थोड़ी मेरी बातचीत सी हो जाती ना जी अकेले में जी,
तो वे मो समझ लेती जी और मैं उन्हें समझ लेता जी, क्यों कैसी कह दी जी। बेटा तो पर अंग्रेजी बोलनी और समझनी आवे? अजी यहाँ पे कहा के तो पूरे परिवार पे किसी पर अंग्रेजी ना आती। तो फिर बात कहा करे भैया, पहले अंगूठी पहरा दे फिर खूब बात कर लीजिए। हाँ बढ़िया बढ़िया, यूं ठीक रहेगा, यूं ठीक रहेगा, यूं ठीक है ये बिल्कुल। अब मैं एक काम कर लूं, तुम नाश्ता पानी करो जब तक मैं जो ऊपर लड़की तैयार करवा दूं। हैं ले कुलदीप ये 1.5 केला ये रिश्तेदार ले आए, एक काम करियो अपनी माँ दे दीजो, सोच को मोहल्ले में बंटवा दे। ठीक है चल लौंडिया तैयार करवा। चुप रहना होगा तेरी चुप। वे आदमी ऐसा बात सुन ले, जब दोनों बच्चे आपस में अंगूठियां पिनाए ना ताली बजाइयो, कभी हराम का खा के पेट को हलावे ही ना इसको। बाबा जी मैं जी जो ना जी बाबा जी जैसा कि जी मैं कह रहा हूँ जी, अब जी जैसे सब मुहूर्त आ गो जी, तो जी बाबा जी एक वीडियो बना दीजिए मेरी संस्टाग्राम पर घेरूँगा, जिस कि जी मेरे जी और मेरी इन होने वाली बहू जी इनके जी लाइक और फॉलोअर बढ़ें जी। हाँ हाँ बेटा बिल्कुल, बाबा जी मेरी जी आपसे एक और ही हाथ जोड़े की वह काम और करवा दो। देखियो जैसे कि जी बाबा जी अब तुम वीडियो बना रहे हो तो ये अगर अपना घूंघट से हटा देती ना बाबा जी तो 4 चौंद लग जाएंगे वीडियो में, तन कह दीजिए इनके जो पापा हैं नकली वाले भूरे वक्त से कह दिए तन थर कहने से करवा देंगे, कह दो POC प्लीज। हाँ दिखवा रहा हूँ अभी कह रहा हूँ, पर तू भी अपनी 20 रुपया ना गलती से लिखा की कहा कर रहा हूँ, कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। 20,000 रुपया वाली वह हीरे की अंगूठी है, डायमंड की अंगूठी है लिकार पहरे या तू भी, ठीक है ना? 20,000। हाँ भाई साहब लौंडा का तन मन है, संस्टाग्राम पे मुंह दिखाई की वीडियो हो जाएगी ना तो पब्लिक मुंह दिखाई के वहां में लाइक और फॉलो कर देगी, तो हमारे POC प्लीज। अच्छा ठीक है जब तुम कह रहे हो तो करवाए दे, मैं एक काम करो पहले तुम ही देख लो लाली को मुंह, बड़े बूढ़े हो ना मैडम जी, लाली के मुंह पर करके इन्हें दिखा दो। ए सूरज जा जोकता छिप जा तेरे जर तनाव मेरे यार, अब तो घूंघट हटते ही एकदम बल्ब से बल जा करो उसनी जगमग 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 जगमग। जरा ये पर्दा हटा दो अपना मुखड़ा दिखा दो, हम तुमसे ब्याह करने वाले हैं कोई ऐरा गैरा नहीं। हे वो आसान नहीं लग रही है, देख ले पागल मत हो बे, विद्या रानी कसम जब शर्म लग रही है, देख ले तेरी गैली देखूं मैं भी, जब जू तो उतावल हो रहा, देख क्यों ना ले, देख ले बाबा बैठे मेरे पर एक मुख अलग नु कह दो। तुम पर को देख दो थोड़ा। हे भगवान हे मेरे मालिक, यू का हुआ भगवान, तुम जो हाथ जोड़े किए मेरा ब्याह तो जरूर करवाइयो पर कोई विदेशी रह नहीं दीजो, हम तो अपनी कहीं देसी गैली गुजारा कर लेंगे। अच्छा हुआ सपना है। चाचा सवेरे के 6 बजे तुम्हारा पोता उठ गया होएगा या सोई रहा होएगा? अरे उठ गो, हाथ तो वहां के नसीब खुल गए। हाँ चाचा हमने कहावत सुनी है सफर का फल मीठो हो है। अभी देखियो सुनते हैं उछल पड़ेगा। हाँ भाई लंबादार खुल गया खिया।
पम छु छुआ जी। हाँ बाबा उठ गो, एक सपना देख लियो डरावना सो, वॉइस खुल गई अखियाँ। मुँह पे ये मैं धर दूंगा अभी थर तकिया। बेटा या सपने की दुनिया तो बाहर लेकर और हकीकत की दुनिया में हक तक खुल के जी, तेरा बचपन का सपना पूरा होने वाला है। सपनो? कौन सा सपना बाबा जी? ब्याह का। बेटा मन में लड्डू फूटा। बाबा जी बन रही है किंगस कोई बात? हम में मांगे न करवाए बहुत जोर का रिश्ता, लड़की विदेशी है, लॉकडाउन में हमारे देश में ही रहेगी, वाके घर के न समझ ली फिर मरी हुई। हमारे देश के एक आदमी ने वाके ब्याह की जिम्मेदारी ले ली। तेरे तो नसीब बढ़िया है जो आता रिश्ता तय हो गो है। अब तू एक काम कर, हमारी गैल चल, वह लाली अंगूठी पहरानी है तो, और अंगूठी भी ऐसी वैसी ना पहरवाऊंगा तो पे पूरी 20 रुपये। सोमलार कहा कह रहा हो तू? पूरी 20,000 की। ना 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 बाबा जी, अभी पहले मैं अपने पामन पे खड़ा होऊंगा बाबा जी, मैं अभी ब्याह ना करूंगा, अभी मो रहन दो तम नुई। रे बेकूफ मत ना बने, तो पता हो ये विदेशी कैसी हो? मैं कतई कागज की तरह सफेद, कतई भूरी भक्क, तेरे नसीब बढ़िया जो तो मिल रही है। ना ना बाबा जी देखे मेरे हाथ जोड़े किया, मेरा जीना ब्याह में मैं नहीं कर पाऊंगा अभी। भाई यू मक्कार ऐसे नहीं मोने को, यू जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा हचके को। पकड़ो यार, बाबा देख हाथ जोड़े किया बाबा। गेल चलेगा गेल? 2025 ब्याह करूंगा, 2024 में रहना मैं कुछ कामयाब हो जाऊंगा बाबा। कहा बात है 2025 में? एक भी कारण बता दे मुंह, या मारा नौकर रो ब्याह में नौकरवाने को बता। बाबा मैं कहा बताऊं, अब तो ये बता देंगे कमेंट बाजी में कारण। बाकी भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सबकी गैल शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे बाबा कमेंट में बता दीजिए वो क्या परेशानी है। भैया कारण बताइए जरूर, यहाँ का तो फट रहा ना बताने को, तुम जरूर बताइए कारण क्यों ना माने, क्यों मना कर रहा हूँ ब्याह को। वैसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल यार, भाई तो ब्याह ब्याह कर रहा, अब ब्याह से भाग रहा है? अच्छा अच्छा ले चलो यार, ले चलो, ऐसा रास्ता मिलेगा ना चुल्फी। अच्छा अच्छा कुछ तो मजबूरी नहीं होगी, नहीं तो कोई बेवफा ना होता। कुछ भी मजबूरी ना, चल।